सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आप लोगों के लिए फिर से एक और सुपर स्पेशल वीडियो ऑडियो ओरिएंटेड जो है हम लोग लेके आ चुके हैं। आज हमारे साथ सर है जो कि हमारे से ऑल द वे महाराष्ट्र से जुड़े हैं। सर कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या? सर मेरा नाम मोहित पवार है और हम पुणे में रहते हैं। ठीक है, पुणे से सर बिलोंग, सर अपना नाम बता दीजिए। परमेश्वर संत। ठीक है सर, अब आप लोग देखो पुणे का, अगर आप लोग मोटा मोटा देखते हो, अगर आप ड्राइव करके आते हो कितना किलोमीटर है सर? 1500 किलोमीटर, मतलब 3000 अप डाउन हो गया। हाँ जी। सो सर ने जो है 3000 किलोमीटर ड्राइव करके हमारे पास तक आए। जस्ट क्या चीज करवानी है सर आपने यहाँ पर? ऑडियो सेटअप कराना है, जिसमें सर जो है इससे पहले आपसे एक बार कंपोनेंट ले चुके, मुझे ऐसा ही पता चला। क्या हुआ था, थोड़ा एक्सपीरियंस उसके बारे में शेयर कीजिए। जिस दिन गाड़ी आई ना मैंने उसी दिन उनको ऑर्डर दे दिया था कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, कंपोनेंट कौन सा लगाया था भैया ने? C165 का हमने मर्करी का प्लान किया था, जो आपकी XUV700 में भी हमने लगाया। करेक्ट, जो हमने i20 में भी यूज किया था। एग्जैक्टली करेक्ट। तो वो जो है वो थोड़ा सा ना, मतलब क्लिकिंग वाली चीज भी है, क्योंकि उसका आउटपुट और उसका है ना, उसका एक क्लिक भी आता है कि हाँ यार कुछ मैंने अपग्रेड जो है किया। अच्छा सर, अब एक तो आपने कंपोनेंट लगा लिया था, लेकिन उसके बाद आपने 1500 किलोमीटर आप ट्रेवल करके भैया के पास ही पहुंच गया। कुछ कंप्लेंट थी या कैसे, क्या हुआ? मैंने उसी टाइम पे उनको बोला था कि मैं, मुझे आना है बट नवंबर दिसंबर में प्लान करूंगा। ठीक है, लंबा जर्नी है और मेरा मेन मोटिव था कि सेटअप कराना है। ठीक है, घूमने फिरने के लिए आना, तो दोस्तों का प्लान होता है कि पहले घूमेंगे फिर देखेंगे, टाइम मिला तो करेंगे, तो वो नहीं करना था। तो इस बार आप डेडिकेटेड इसी के लिए फिर। ये एक थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगता है महाराष्ट्र से भी हमें, मतलब हम लोग पहले ऐसा बोलते थे कि हमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब इधर से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, लेकिन ओवर द टाइम उत्तराखंड और हमारा महाराष्ट्र जो है उधर से भी हम लोगों को प्यार बहुत अच्छा मिलने लगता है। क्योंकि क्रेज है और जिनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जो हमारी वीडियो से वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो लोकली इनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो उस पॉइंट पे कुछ लोग इन जैसे हैं जो हिम्मत करके ऑल द वे इतनी दूर आ सकते हैं, अदरवाइज 1500 ड्रीम करना भी, क्योंकि हमें पता है ना दिल्ली वाले 30 किलोमीटर भी कहते हैं कि हम भैया बहुत दूर से आए, बहुत दूर से आए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो सर लोग जो है वो क्या सेटअप कर रहे हैं, कैसा क्या कर रहे हैं, वो पाजी आप लोगों को पूरा अंदर समझाएंगे, लेकिन मैं एक चीज़ ऐसे जानना चाहूंगा सर। कहते हैं ना एक जगह का ऑरा होता है, तो मोटर कॉन्सेप्ट में जैसे आप पहुंचे, हाउ वाज द ऑरा, मतलब कैसा था, मतलब एक दिल खुल के जो आप बात बोल सकते हैं ना, वो चीज़ आप फीडबैक वाइज में जानना चाहूंगा। वो हम कहते ना कि सही मर्ज की दवा एक ही जगह मिलती है, तो ठीक है, मतलब डॉक्टर के पास पहुंच गया है। सर आपको जोड़ना चाहेंगे इसके साथ में क्या बात और कोई? सर जो आके भैया ने हमें इसके बारे में डिटेलली क्लियरली बताया, हमारे बहुत सारे इसके रिलेटेड डाउट्स थे। करेक्ट, तो उन्होंने हमें उस चीज के बारे में बहुत सारी क्लियरिटी दी कि आप इसको लगाना चाहो तो आप इसके अंदर आप गाड़ी से महंगा कॉस्टिंग सिस्टम लगा सकते हो। करेक्ट, पर आपको जो डिसेंट चाहिए, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं उस हिसाब से आपको सेटअप करके दूं। अच्छा सर, अब आप देखो थोड़ा सा, जैसे हम लोग वीडियोस में दिखाते हैं, कई लोग बोलते हैं भाई वीडियो में ऐसा हो रहा है वैसा नहीं हो रहा, तो वीडियोस वर्सेस रियलिटी में कोई फर्क तो नहीं है सर? नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, मतलब प्रोडक्ट अगर दिखा रहे हैं तो वही प्रोडक्ट हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। हाँ जी, जो सामने वही है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये गाड़ी जो आप लोग अभी देख रहे हैं, दिस इज XUV300 और ये अपने जो कहते हैं ना सेगमेंट की वन ऑफ द फाइनेस्ट कार है। थोड़ा रिकग्निशन इंडिया में कम मिलता है, क्योंकि इंडिया में लोग अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट बहुत कम ही करते हैं। तो अगर इस गाड़ी के बारे में आप बात करते हो, तो ये वेरिएंट कौन सा सर, ये बता दीजिए? W8 डीजल। ठीक है, W8 वेरिएंट है, तो ऑलमोस्ट ये सब चीज़ों के साथ लोडेड ऑलरेडी आता है। इसका स्टॉक स्टीरियो के बारे में बात करते हैं, वो कैसा था? मतलब वो ऑडियो वाला फील ही नहीं था? चलो वो हम महिंद्रा से उम्मीद में है, रेडियो अच्छा बज रहा था। ठीक है, तो अब अगर आप लोगों के पास महिंद्रा की कोई भी गाड़ी है जो कि XUV300 कोई सा ही वेरिएंट हो, आप लोगों को सेम आवाज़ आप लोग अटेन कर सकते हो। अभी के लिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग प्रोसेस जो है वो डैम्पिंग का दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें क्या इसमें कैसे हमने अपग्रेड करी है, हम चलते हैं पाजी के पास और इसके बारे में बात करते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं आप लोगों को प्रोडक्ट रेंज दिखाने के लिए। हर बारी आप लोगों को जो प्रोडक्ट रेंज हम लोग दिखाते हैं, ये पर्टिकुलरली आप लोग भैया से अगर इस मॉडल के बारे में भी अगर आप लोग लगवाने के बारे में पूछते हैं, सब चीज़ें पूछते हैं, तो पाजी आपको बता देंगे। पाजी, कई सारे लोगों का ना ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये हर किसी गाड़ी में लग सकते हैं कॉम्पोनेंट की नहीं लग सकते? देखिए, कहने को कोई भी कॉम्पोनेंट किसी भी गाड़ी में लग सकते हैं, लेकिन अब जो मैं वही कहता हूँ ना कि एक्सपीरियंस से हमें ये पता चला है कि कौन सा किस बजट में किस गाड़ी में क्या चीज ज्यादा फेवरेबल अच्छा बजेगा। हाँ, तो ये जजमेंट आज भी कस्टमर में नहीं है। कस्टमर आज भी जो कहते हैं कि नहीं इन्फिनिटी बच जाएगा और JBL बच जाएगा क्योंकि पॉपुलर ब्रांड्स हैं, तो वो नहीं गाड़ियों में परफॉर्म करते। तो आपके लिए बड़ा मतलब एक लिमिटेड वो होते हैं जो इक्विपमेंट्स हैं। अब हम भी कोई डिफरेंट नहीं, आपके सामने सारे इक्विपमेंट्स हैं। मैं आपको भी कहूंगा कि फिर से हम हर बारी रेंज दिखाते हैं, तो JL ऑडियो है, मॉरल है, DLS है, एरीज, मर्करी, ये सारे पॉपुलर रेंज है,
जो हम रेगुलरली आपको अपडेट करते रहते हैं, इनमें जो चीजें आ रही हैं, इंस्टा पे आप हमारे साथ अटैच रहते हो तो हम आपको स्कीम्स भी बताते हैं जो हमारे जून और दिसंबर में आती हैं। तो ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इनमें देखिए ये स्टार्टिंग रेंज अराउंड 6000 के करीब हो जाती है अच्छे कंपोनेंट्स में। इससे बेसिक पावर बेस के भी कंपोनेंट है वो अराउंड 5500 6000 के करीब स्टार्टिंग हो जाती है। तो बहुत सारी अब रेंज हमने वैरिड कर दी है ताकि बेसिक से लेके हाई एंड सारे अपने टेस्ट को जस्टिफाई कर पाए। ठीक है भैया, जो महाराष्ट्र से हमारे भैया आए, अब उनकी क्या चॉइस थी, क्या टेस्ट चाह रहे थे? हाँ, महाराष्ट्र के भैया से आपने इनको इंट्रोड्यूस भी कराया, तो उन्होंने आपकी वीडियोज देखी है, उन्होंने मेक श्योर कर लिया था कि मुझे CE 165 दिया। आई डोंट नो हाउ ही गेज इट, कि क्लैरिटी पर कुछ ना कुछ ने गेज किया होगा। Correct. तो ये दो कंपोनेंट्स हमने उनको कोरियर करे थे आउट ऑफ मार्केट, जो हमारी ऑडियंस है वो हमारे से काम नहीं करा पाती, तो हम उनको देखिए बेसिक सजेशंस देते हैं, इन वीडियो से भी हम एजुकेट करते हैं। तो आपको अगर हमारे से ऑर्डर करना कंफर्टेबल लगे तो आप हमारे से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आप किस बजट पे क्या स्पीकर्स मंगवाना चाहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको ये दो स्पीकर्स हमने कोरियर किए थे फ्रंट रेट, जो इन्होंने बजाए थे, ही वाज रीजनेबली हैप्पी। लेकिन इशू क्या होता है XUV 300 में, जो मैंने बहुत पहले भी बताया कि उसके स्टॉक सेटअप में बेस नहीं आती। करेक्ट, और मिड बेस वाली बात कर रहे हैं। ऑफ लेट जैसे जब से आपने भी जैसे दो दो महिंद्रा कार रखी है तो महिंद्रा की ब्रांडिंग बढ़ गई है। Correct. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से XUV 300 में मुसाफिर भाई बहुत ज्यादा गाड़ी सेल आउट होने लगी है। मैंने भी अभी देखा है कि पिछले एक महीने में हमने 15-16 इन्होंने अपना वो भी निकाल दिया, उसमें टर्बो भी आ गया ना, तो नो डाउट एट दिस पॉइंट ऑफ ब्रेजा की वेटिंग बहुत हाई चल रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से XUV 300 की मार्केट बहुत अच्छी पिक करी। Correct. जिन्होंने भी ड्राइव करी है, मैंने पर्सनली ड्राइव नहीं करी, लेकिन कहते हैं कि बहुत पावरफुल है, अच्छी गाड़ी है। ठीक है, तो था। अब जो दूसरी कॉल आ रही थी वो एम्पलीफिकेशन के लिए आ रही थी, एंड ही वॉज वेरी कीन इन DSP। तो जो अदर ऑप्शन हम पहले नॉर्मल जो डिस्कस कर रहे थे, तो थोड़ा इनका ये बजट प्लस जा रहा था मॉस्कोनी पे, तो हम फिर रेगुलर DSP जो आते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया था नाकामिची का, ए वेव का, मुसवे का, ये सारे हमारे पास DSPs अवेलेबल हैं। थोड़ा सा बेटर जो हो तो ये अल्पाइन का आता है R500, दिस इज आल्सो वेरी डिसेंट। तो अगर आप एक डिसेंट DSP और एक एम्पलीफायर के कॉम्बिनेशन में जाते तो आपका तब भी कॉम्बिनेशन 30-35,000 के करीब जा रहा था, तो वहां पे हमारा थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ। तो हमने, और इनका एक मूड था कि मेरे को अपने फ्रंट स्पीकर्स एक्टिव चलाने, अब इनको थोड़ी सी नॉलेज थी, करेक्ट, तो उन्होंने एक्टिव का मतलब ये होता है कि आप जब अपने ट्विटर और मिड बेस को सेपरेट पावर दो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 6-चैनल एम्प में बहुत ही कम लिमिटेशन, कम ही एम्प है जो उसको सपोर्ट कर पाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हमने मॉस्कोनी का ये 6-8, अगेन ये समझाऊंगा कि पीको 6-8 का मतलब 6-चैनल एम्पलीफिकेशन विद 8-चैनल DSP, करेक्ट। तो ये हमारे पास था ऑप्शन, तो अब हमने ये वाला एम्प इनका इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, और ये छोटा है और वर्केबल जो है, ये बड़ा जबरदस्त है, फुटप्रिंट वेरी नाइस। मैं देखो क्यों हमारा इसका कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम आज से नहीं, वी आर इंस्टॉलिंग मॉस्कोनी फॉर लास्ट 11 इयर्स, और हमारा इस ब्रांड पे बहुत विश्वास है। हाई एंड में हमने बहुत सारी ब्रांड लगानी, देखिए इन कंपैरिजन JL भी है, ऑडिसन भी है, हीलिक्स भी है, सारे अच्छे ब्रांड्स है, मैं नहीं कहूंगा कोई भी, लेकिन जो कंफर्ट, जो प्राइस और परफॉर्मेंस रेशियो जो मॉस्कोनी टाइम पर प्रोवाइड कर रहा है, अनबीटेबल, बहुत ही जेन्युइन अनबीटेबल है, क्योंकि हमने सारी ट्राई करी और आज भी हमारे पास सारे ब्रांड्स है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जहां हमारा कंफर्ट लेवल आता है ट्यूनिंग परस्पेक्टिव से, वैल्यू प्रोपोजिशन से, इंस्टॉलेशन प्रोपोजिशन से, एंड रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस टेक्स द गेम अवे। ठीक है भाई, अब एक हम लोगों को इसमें सबवूफर भी पाजी लगाना था, तो सबवूफर भी इनका थोड़ा सा प्लान था कि मैं थोड़ा सा लाउड जाना चाहता हूँ। करेक्ट, तो मॉडल दिखा देता हूँ, SFB 600, ये हम प्लान कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत ही कॉम्पैक्ट सा एम्पलीफायर है, बिल्कुल ब्रिक वाले उसमें आ रखा भाई, हाँ, ब्रिक डिजाइन में, तो बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट छोटा, वेरी नाइस। और ये कितनी पावर पाजी हमें प्रोवाइड करता है? 600 RMS इजी देता है। तो देखिए ये रेड लाइन से वन स्टेप अप है जो हम दिखाते हैं, रेड लाइन का एम्पलीफायर, ठीक है, और DD की एक D600 अच्छी रहती है, उससे वन स्टेप डाउन है। तो अच्छा, एक चीज इसमें बताना, 1 ohm स्टेबल का क्या मतलब होता है? 1 ohm देखिए टोपोलॉजी होती है, जैसे कि जो वूफर होता है वो एक पर्टिकुलर इम्पीडेंस पे वर्क करता है, ठीक है। तो जब हम जैसे कहते हैं कि D2 वूफर है, D4 वूफर है, तो D2 का मतलब होता है डुअल 2 ohm की कॉइल है उसपे, ठीक है, तो दो उसमें ये नहीं चलेगा, उसमें ये चलेगा। अच्छा, उसमें चल जाएगा, हाँ, okay. क्योंकि वो जब 2 ohm की कॉइल हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल पे, तो 1 ohm की आती है, तो ये परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही 4 ohm D4 के जो आते हैं वो 2 ohm पे होता है, 2 ohm पे भी ये चलता है, लेकिन इनकी पावर ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है, करेक्ट। तो जो सनडाउन के कुछ हाई एंड एम्पलीफायर्स है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, मैं आपको ये भी इस चीज की भी क्लैरिटी दूंगा कि सनडाउन उससे कैसे वर्क कर रहा है। और सनडाउन मेरी गौर से पाजी एक टाइम पे बिल्कुल ठंडा पड़ा था, लेकिन अब जो है भाई उसने जो पीक पकड़ी है काफी जबरदस्त है, अच्छा ब्रांड है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, देखिए हमेशा मार्केट है। तो इनकी जो ये SIA सीरीज आई है, विच इज इंटेलिजेंट आउटपुट रेगुलेशन टेक्नोलॉजी, उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आप देखेंगे अगर,
और सारे देख पाएंगे, तो 1 ओम और 2 ओम पे 2500 आरएमएस ही, अगर 2500 तो दैट मींस जब आपका 2 ओम पे नॉर्मली जो एम था वो हाफ पावर कर देता था, ठीक है, तो अब ये वो कंफ्यूजन दूर होगी कि अगर आप इवन आपके पास D2 एम्प है और D2 सबवूफर है या D4 सबवूफर है, आप सिंगल सनडाउन के एम्पलीफायर से वर्क कर सकते और विदाउट एनी ट्रिपिंग और एनी इश्यूज। एग्जैक्टली, तो वो एक बहुत बेनिफिट हो गया, क्योंकि पहले लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैं D2 लूं, मैं D4, आज भी मार्केट टोटली कंफ्यूज है, करेक्ट, लेकिन अगर कोई बंदा सेंसिबली उसको चूज करे तो मोनो एम अपना अच्छा चूज कर सकता है। अच्छा भाजी मेरे को एक चीज बताओ, चलो भारी चलते हैं, वैसे ना मेरे को अब थोड़ा डैम्पिंग के बारे में ना हमने काफी टाइम से बात नहीं करी सही से, तो एक बार डैम्पिंग के बारे में बताओ, अभी आपके पास कौन से प्रोडक्ट का स्टॉक इन है, मतलब कौन सा आपके पास स्टॉक ज्यादा है? देखिए अभी हम देखिए डैम्पिंग की कभी ऐसे डर्थ नहीं रही, लेकिन मैं अभी फिर से एक फ्यूचर में एक और अच्छी डैम्पिंग की वीडियो करना चाहूंगा आपके साथ, जिसमें मैं सारे प्रोडक्ट फिर से, तो हम कोशिश करेंगे एक वीडियो आप लोग ले लेके आएंगे। तो अगर मे बी I20 हो रही है, हम उसकी सेपरेट वीडियो बनाते हैं, करेक्ट, और एक बार ऑडियंस को फिर से, तो आप सारी ऑडियंस स्टे ट्यून्ड रहो, जो नेक्स्ट वीडियो में भी I20 की आएंगी, फुल डैम्पिंग की हम डोर्स में दिखाएंगे और उसमें हम सारे प्रोडक्ट फिर से आपको दिखाएंगे, परफेक्ट, कौन कौन से नए अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से सस्ते प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, कौन कौन से एक्सपेंसिव क्वालिटी। तो अभी हम चलते हैं ऑन अ गो में, एक बारी मैं आप लोगों को जो है चेकआउट करा देता हूं कि हम लोगों ने कैसे वर्किंग करी है। पाजी आप लोगों को एक बार थोड़ा वर्किंग भी दिखा देंगे, कैसी कंप्लीट वर्किंग होती है, ठीक है। तो जो गाड़ी आएगी जिसकी वीडियो हम आपको दिखाएंगे वो यहाँ पर खड़ी है, कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के पास जो है जरूर लेके आऊंगा। अब सबसे पहली चीज, जैसा आप लोगों को पता है XUV500 के साथ में हम लोग ऑडियो से ज्यादा खुश इसलिए नहीं होते क्योंकि उसके जो माउंट्स है वो बहुत शैलो है, जिसकी वजह से उसमें मिड बेस की दिक्कत 100 दिक्कतें और आती है। देखिए वो पोजीशनिंग की होती है, जब पोजीशनिंग थोड़ी हायर अप हो जाती है तो वॉल्यूम उतनी नहीं मिलती स्पीकर्स को परफॉर्म करने के लिए। XUV300 के बारे में क्या कहोगे? वही प्रॉब्लम है जो XUV300 और XUV500 में था। आपके XUV700 में हमने ये डिस्कस किया था ना कि महिंद्रा ने एटलीस्ट ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी, करेक्ट, क्योंकि आपके स्पीक नीचे प्लेस पर है, तो जब आप 4 कंपोनेंट्स अपने चला रहे थे तो यू आर हैप्पी विद द मिड बेस, करेक्ट, वो तो आपको और बेसी फील की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने सब ऊपर के लिए ऑप्ट किया, करेक्ट, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वोकल्स आर वेरी गुड, लेकिन हमारे इंडियन टेस्ट में हमें मिड बेस की बहुत ज्यादा आदत होती है, ठीक है, तो उस मतलब हमें चाहिए पीछे से थोड़ी सी आते रहना चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई मिड बेस चाहता है तो मिड बेस थोड़ा सा कम रहेगा इस कार में, तो अगर बेस की आपको इम्प्रूवमेंट है और तो सब ऊपर लगाओ। सेकंड ऑप्शन और है कि लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि इसकी जो बूट स्पेस है वो कम है, जैसे हमने इनको 12 इंचेस नहीं रिकमेंड किया, हमने इनको 10 इंचेस रिकमेंड किया, तो 10 इंचेस में थोड़ी सी बूट स्पेस भी मिलती है और थोड़ा सा बेटर होता है, और इनको कम चलता तो हम 8 इंचेस और 6 इंचेस की ऑप्शन भी इन पर रख सकते थे। तो अभी हमने 4 स्पीकर्स, लेकिन 12 इंचेस अगर इसमें नॉर्मली अगर हम लोग 12 इंचेस लगाते तो अगेन जो बेस बूस्टेड है वो चीज़ फील होगी इसके अंदर, बिल्कुल फील होगी, है इससे ज़्यादा बेटर होगा, जितना डाया बढ़ता जाएगा उतना बेस हैवी होता जाएगा, डीप जाने लग जाएगा, जितना छोटा हो जाएगा वो और एक्यूरेट बजेगा, लेकिन ये महिंद्रा के साथ दिक्कत है, तो आप लोग जो है सबवूफर जब प्लान कर रहे हो तो थोड़ा स्पेस के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का मोस्कोनी जो है प्लेस्ड हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इधर जो है हम लोगों का मोनो जो है वो प्लेस्ड हो रहा है, ठीक है। तो इसकी पूरी वायरिंग जो है वो आप लोगों को वर्किंग होती हुई देखने को मिल जाएगी। इसमें डैम्पिंग जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये कौन सी सीरीज है भाजी? ये DD की ब्लैक प्रोफेशनल सीरीज है, इनकी अभी टॉप ऑफ द लाइन DD की सीरीज चल रही है, एक इनकी बेसिक में गोल्डन सीरीज चल रही है, वो थोड़ी एंट्री लेवल है, लेकिन अगर आप प्रेफर करोगे गोल्डन की है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ब्लैक प्रोफेशनल इज अ ब्रिलियंट सीरीज और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत रीजनेबली अच्छी प्राइस की डैम्पिंग। तो भाई आप लोगों को मोटर कॉन्सेप्ट वाले भैया ने जो है एक छोटा सा आइडिया इस बारे में दे दिया है। अब सुनते हैं इस गाड़ी का आउटपुट, फिर भैया से हम लोग फीडबैक लेंगे, एंड देन वी आर गुड टू गो। आप लोगों ने फाइनल आउटपुट जो है सुन लिया है, भैया ने भी सुन लिया, भैया कैसा रहा रिस्पांस एक बार बताइए। अभी तो क्या बोल नहीं सकते इन वर्ड्स, मतलब बढ़िया, अच्छा है कि नहीं है? नहीं अच्छा तो है यार, अच्छा है, बट वो हम दो मिनट के लिए मैं हो गया कि मैंने अभी ऐसा क्यों बोल रहे एकदम से। जैसा बेस चाहिए था वैसा बेस मिला क्या? बेस तो सुपर हैवी है, सुपर हैवी है, बहुत बढ़िया। कैसा लगा भैया?
भैया बहुत अच्छा लगा, मजा आया, जैसा बोला था वैसा काम हुआ है, ठीक है, मजा बहुत आ रहा है, सभी ज्यादा बेस वगैरह चाहिए था सब वैसा है, वेरी नाइस, इक्वल है, टाइम थोड़ा ज्यादा गया पर जो रिक्वायर्ड था हमें वो मिला है, वेरी नाइस। तो भाजी भैया का सेटअप की कुछ कॉस्टिंग बताओगे आइडिया? भैया की सेटिंग देखिए, स्पीकर्स पहले ले गए थे भैया तो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 2.5 लाख रुपए का करीब का सेटअप भैया का, 2.5 लाख इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, 1.75 लाख का, ठीक है भैया बता दीजिए, डाल सकता हूँ ना वीडियो में, नहीं डालू अगर आप मना करोगे, 2 लाख बोलता हूँ मैं, आवाज बंद कर देना भैया, जिनकी हमने डैम्पिंग इनकी दी थी तो उन्होंने खराब कर दी थी, पीसेस वीसेस खराब कर दिए थे, तो शायद इनकी डैम्पिंग भी दोबारा से करनी पड़ेगी। अच्छा तो भाई आप लोगों को कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा, दिस वॉज पुणे स्पेशल, पुणे से जितने लोग हमारे देख रहे हैं और मोस्ट वेलकम, आप लोग दिल्ली आइए, और 25 घंटे की ड्राइव, मतलब नॉन स्टॉप तो नहीं आए होंगे? नॉन स्टॉप ही आए। ओ भाई साहब, ये सो रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं, हमने खुद ने किया है, मैं तभी कह रहा हूँ, लेकिन हम तो भाई रुकते हुए गए थे, लेकिन 6 घंटे की नींद लेकर के आपने ना 28 से 30 घंटे में आराम से, बहुत बढ़िया भाई, ये सारी वर्किंग ग्रो कर रहा है, हाँ ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हो रही है, वेरी देखिए ना दिल्ली और पुणे का कनेक्ट कितना ईजी हो रहा है, करेक्ट, तो दिस इज गुड थिंग, इंडिया इज कनेक्टिंग, बहुत बढ़िया भाई। तो ऑडियो सेटअप आप लोगों ने आज देखा XUV300O के अंदर, आप में से कोई भी प्लान कर रहा है इसका टर्बो वाला वेरिएंट भी आ गया ना, तो अगर आप टर्बो में कराना चाहो, नॉर्मल कराना चाहो, सब में आपको ऑडियो सेटअप का जो पूरा इन्फॉर्मेशन है वो आपको मोटर कॉन्सेप्ट में, इंस्टॉलेशन मोटर कॉन्सेप्ट में, एंड जो भैया के द्वारा अच्छा चीज़ गाइड किया जाता है वो भी आपको मोटर कॉन्सेप्ट में मिलेगा, ठीक है। कैसी लगी आज की वीडियो जरूर लाइक शेयर कमेंट करके बताना, दोनों भैया हमारे आए थे, आप लोगों को मिलवाया, और बड़ा अच्छा लगता है भाई जब पुणे से कहीं से भी हमारे पास कोई भी आता ना, तो बड़ा प्यार वाला एक फील आता है कि भाई हम लोग इतने दूर तक कनेक्ट कर पाते हैं, और यही है भाई कि सच्चाई दिखा रहे तो सच्चाई लोगों तक पहुंच रही है। और वीडियो में फिर से मैं पूछूंगा, जो वीडियो में दिखाते हैं वैसे काम है उससे बैटरी होगा, बैटरी है और दूसरा सपोर्टिव है, जितना आप बता देंगे उससे बढ़िया है, सब चीजें वैसी, वेरी नाइस, ठीक है भाई। कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताइएगा, भैया के पास पहुंचा चाहे, डिस्क्रिप्शन में नंबर एड्रेस है, मोटर कॉन्सेप्ट भैया का स्टोर का नाम है, भैया का नाम है अमन, और आ जाना भाई, ठीक है। कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, करते आज की इस वीडियो को एंड, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।